हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो अजीब दास्तान में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि निशा श्रुति की हेल्प करती है और थोड़ी देर में फिर वो घर पहुंचती है। इतनी देर में श्रुति भी तैयार हो जाती है। इधर से अक्ष कॉल करते हैं उसको कि कहाँ हो यार। कहती है बस निकल रही हूँ, मम्मी ने परमिशन दे दी। हाँ बस उनसे परमिशन ले रही हूँ और आ रही हूँ। यार क्या है, आ जाओ ना, बहुत देर हो गई अब। अच्छा फ़ोन रखो, अभी आती हूँ, वेट करो। और तुम पहुँच गए? बस पहुँच रही हूँ। अरे अभी तक पहुँचे ही नहीं, कहाँ थे? पहुँच रही हूँ ना। हाँ तो चलो तुम, मैं आई, तुम फ़ोन रखो अभी। ये कह के श्रुति फ़ोन कट कर देती है। और इधर से निशा भी पहुँच जाती है, तैयार होती है। और निशा कहती है श्रुति तैयार हो गई चल। तो वो आती है बाहर, कहती है हाँ हो गई तैयार। उसने साड़ी पहनी हुई होती है ग्रे कलर की, बिल्कुल प्लेन साड़ी, और अच्छे से मेकअप वेकअप किया होता है। तो उसकी मॉम उसे देखती हैं, कहती हैं तुम पार्टी में जा रही हो? हाँ। या फिर किसी अपने किसी लवर से मिलने जा रही हो, ऐसा लग रहा है। तो कहती है हाँ, तो और कैसे जाऊँगी, शादीशुदा हूँ मैं तो, ऐसे ही जाऊँगी ना। आपको क्या लगा मिनी स्कर्ट पहन के जाऊँ? तो कहते हैं कि हाँ जाना तो तुम्हें वही पहन के चाहिए था, पार्टी में जा रही हो तो, वो भी अपने हम उम्र लोगों के साथ। तो साड़ी वाड़ी और इतना साज श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके कहाँ चली तुम? कहती मम्मा अपना अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाया करो, इसके साथ जा रही हूँ, इस पर तो भरोसा है आपको, मुझ पर तो है नहीं। तो कहती हैं कि अच्छा हाँ ठीक है जाओ। तो निशा कहती है आंटी हम लेट हो रहे हैं, हम जाएं, अब मुझ पर तो ट्रस्ट कीजिए आप, बस मैं लेके जाती हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है, और टाइम से आ जाना घर पे। तो कहती है हाँ ठीक है पक्का टाइम से आ जाऊँगी। तो कह के लोग निकलते हैं। तो बाहर श्रुति के पापा खड़े होते हैं, तो वो भी पूछते हैं। इधर अक्ष बार बार श्रुति को फ़ोन कर रहे होते हैं, श्रुति बार बार डिस्कनेक्ट कर रही होती है। तो जब अपने पापा को भी सारी बातें समझा के निकलती है, कैब बुक करती है वो, क्या नाम है उसका, निशा, और दोनों कैब में बैठते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। तब जाके वो फ़ोन उठाती है तो कहती क्या है। तो अक्ष कहते हैं आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, फिर किस बात की है लड़ाई। तो कहती है बस हो गया बहुत, कल से ना गाने गाने गाए जा रहे हो, बस आ रही हूँ आ रही हूँ, सब्र रखो आ रही हूँ। तो कहती है कि यार इतना टाइम हो गया। तो श्रुति कहती है फ़ोन मत कर देना, आ रही हूँ बस इंतज़ार करो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और निशा से थैंक यू वगैरह बोलने लगती है, फॉर्मेलिटीज़। तो निशा कहती है देख तूने जो किया ना उसका गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन क्या है ना तू है तो मेरी फ्रेंड, अब तेरे साथ ना दूँ तो किसका साथ दूँ, हमेशा से तेरा साथ दिया है तो आज भी देना तो था ही। तो कहती है बस यार तेरे जैसा दोस्त पा के ना मैं धन्य हो गई कसम से। तो कहती है अच्छा हाँ अब ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाय द वे हैं कहाँ, मिलोगे कहाँ तुम लोग, किसी ने देख लिया तो? नहीं उन्होंने एक रूम रेंट पे लिया हुआ है, हम वहीं पर मिलते हैं। रेंट पे रूम ले रखा है? हाँ इसका मतलब तुम लोग काफ़ी बार मिल चुके हो। कहती नहीं एक बार मिले थे उसके बाद उस दिन मिले हैं, तो रूम क्यों रेंट पे ले लिया? अरे वो उन्होंने अपने लिए लिया था, घर पे सब उन पर शक करते थे, ढंग से बात नहीं हो पाती थी और टेंशन में रहते थे हर वक्त, मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, तो उन्होंने अपने लिए लिया था। और उस समय लिया था जब शायद उन्हें घर से निकाल दिया था मेरी वजह से, उसी समय लिया था उन्होंने, तब रहते थे। तो फिर वो ऐसे ही पड़ा रहा, अपने किसी फ्रेंड को दिया था वो रह रहा था। तो अब वो अपने गांव वाँव गया है या कहीं गया है तो चाय पीने दे गया। तो कहती है अच्छा,
खैर इतनी देर में अक्ष बेचैन हुए होते हैं, वो फिर से कॉल कर देते हैं। श्रुति कहती है देखो बेचैन आत्मा, इनके ना इन्हें चैन ही नहीं मिल रहा। तो निशा कहती है अब कैसे चैन मिलेगा बेचारे, जब तक तुम्हें देख नहीं लेंगे उनको यही लगेगा कि पता नहीं आओगी भी कि नहीं आओगी। कहती है ये बात तो है क्योंकि मैंने सुबह उन्हें मना कर दिया था, फ़ोन तो उठा ले परेशान हो जाएंगे नहीं तो। कहती है मैं नहीं उठा रही। कहती उठा ले उठा ले, सच में टेंशन में आ जाएंगे। तो श्रुति फ़ोन उठाती है तो अक्षुधर से मजा क्या है देखो जरा तुम घड़ी, गुजर जाए ना प्रेम की ये घड़ी। मजा क्या है देखो जरा तुम घड़ी, गुजर जाए ना प्रेम की ये घड़ी। आती हूँ थोड़ा सा धीरज धरो, लगा दूंगी मैं प्रेम की फिर झड़ी। हो उतनी ही दूर है तू जितने करीब है, तेरे मेरे प्यार का किस्सा अजीब है। धत्तरी की अब तो जान पे बन आई, ये है प्यार की गहराई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई तो जो मैं श्रुति कहती है बस हो गया, अब तो धीरज धरो, अब तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने कर दिया ना, तुम्हारा साथ दे दिया ना तुम्हारे गाने में, अब तो शांत हो जाओ, अब तो इंतज़ार कर लो यार आ रही हूँ। तो कहते हैं कि यार जल्दी आओ ना, बहुत हो चुकी है तेरी दिल लगी, चली आओ अब शाम ढलने लगी। तो कहते हैं अरे बाबा आ रही हूँ मैं आ रही हूँ। देखो निशा मेरा साथ है और मैं उसी के साथ हूँ, तो बार बार फ़ोन करोगे तो वो बोर होगी ना। तो अक्षय कहते हैं अच्छा 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 मुझे पता नहीं था आप उनके साथ हैं, चलो ठीक है मैं रखती हूँ, एक एक कॉल कट कर देते हैं। तो श्रुति हंस रही होती है तो निशा कहती है हाय हाय तेरी किस्मत ना बड़ी अच्छी है, बड़ा रोमांटिक इंसान मिला है तुझे, मतलब इतनी बेचैनी हर वक्त। कहती है यार मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि इनको इतने सारे गाने याद कैसे रहते हैं। तो कहते हैं निशा तुझे आगे का कैसे याद रहता है। कहती है बस कह लो संगत का असर है। कहते हैं ऐसे कुछ भी कहो, तुम दोनों हो बहुत रोमांटिक, मेड फॉर ईच अदर, बस ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ना इसे कम करते। और श्रुति एक बात और कहूँ तुझे, हाँ बोलो, आज के बाद उन पे कभी शक मत करना। मैं ये नहीं कहती कि जहाँ प्यार है वहाँ शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होता है कभी कभी पजेसिवनेस आ जाती है किसी को लेके, लेकिन अगर सामने वाला तुम्हें कुछ समझा रहा है कुछ कह रहा है तो प्लीज़ उसकी बात सुन, उसे समझ और उसके बाद कोई डिसीजन ले। तो आजकल हड़बड़ी में चीज़ें करती है और ये तेरे रिश्ते के लिए खराब हो जाता है। आइंदा से कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। अक्ष को अब बहुत मुश्किल से पाया है तूने, इस बार अगर खोया ना तो ज़िंदगी भर वापस नहीं मिलेंगे वो तुझे। तो श्रुति कहती है पता है यार, एंड थैंक यू सो मच। इधर अक्ष जो है परेशान होता, कहते हैं यार पता नहीं कितना इंतज़ार कराएगी इसने ना, आज मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। जो प्रॉब्लम थी और मम्मी घर पे थी नहीं गई तो उसे बताना चाहिए था ना मुझे। और थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद फाइनली निशा श्रुति को ड्रॉप करती है वहाँ पे जहाँ अक्ष होते हैं, और फिर वो वहाँ से अपने कॉलेज के लिए चली जाती है और उसे कहती है कि शाम को कितने बजे लेने आऊँ, साथ में ही जाना पड़ेगा। तो कहती है कि
मैं तुझे थोड़ी देर पहले कॉल कर दूँगी। तेरी क्लासेस कितने बजे ख़त्म होती है? तो कहते हैं कि मेरी क्लासेस वही करीबन 6-6:30 बजे। तो ठीक है, तो तू यहीं आ जाना, तो यहाँ से दोनों साथ में चलेंगे। तो कहती है ठीक है। फिर वो गाड़ी में से उतर जाती है और निशा चली जाती है। वो आके डोर नॉक करती है, तो अक्षा के डोर खोलते हैं और बिना श्रुति को देखे अपना मुंह फेर के दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। गुस्सा आ रहा होता है उन्हें, भाई इतनी देर से इंतज़ार कराया, सुबह बताया नहीं, इन सब चीज़ों पे गुस्सा आ रहा होता है। नहीं तो कैंसिल कर देते, यही सब पहले भी सोच रहे थे कि अगर पहले बता दिया होता कि मॉम डैड नहीं गए हैं तो कैंसिल कर देते, कल परसों में मिल लेते, लेकिन नहीं, उसे तो कुछ बताना ही नहीं होता। इन सब चीज़ों का गुस्सा था। श्रुति डोर लॉक करती है और अक्ष को देखती है और मुस्कुराती है, कहती है ओए कोई तो नाराज़ है मेरे से। तो अक्ष कुछ कहते नहीं है। तो श्रुति जाके ऐसे पीछे से उन्हें हक कर लेती है और कहती है सॉरी ना जान, कसम से मम्मा जो है ना, आजकल मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, आपकी भी तो हो गई हैं ना? हाँ हो गई हैं मेरी भी, लेकिन मेरी इस तरह जो है नहीं कर रही जैसे आपकी मम्मा कर रही हैं। और आपकी मम्मा ने की भी कोई गलती नहीं, अगर वो नहीं गई सुबह तो आपको मुझे बता देना चाहिए था, तो हम बाद में प्रोग्राम बना लेते, एटलीस्ट मैं ऑफिस तो चली जाती, कमाऊंगी नहीं तो यहाँ का रेंट कैसे दूंगी, घर के खर्चे कैसे चलाऊंगी, और तुम्हारी डिमांड्स वो कैसे पूरी करूंगी, ऐसे बेवजह छुट्टियाँ लूँगी तो बेवजह छुट्टी कहाँ ली जाना अपने, मैं आ तो गई ना, अब एक बार मेरी तरफ देख तो लो। हाँ इतने दूर से मैं आपके लिए तैयार होके आई हूँ और आप मुझे देख ही नहीं रहे, हद नहीं है ये? कहते हाँ नहीं देखना मुझे तुम्हें, अरे एक बार नज़र तो डाल लो। हाँ अब आपकी नज़र मुझ पे नहीं पड़ेगी तो बेकार, ये हुस्न किस काम का, फिर नहीं देखना है मुझे। कहते अच्छा प्लीज़ ना, सॉरी, खफा ना होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। तक्ष कहता समझ गया मैं, वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। श्रुति कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है यार, हमेशा मैं लेट नहीं होती। कहती है रहने दो तुम, उस दिन एयरपोर्ट पे भी तुम लेट आई थी, समझ में आया तुम्हें, और उससे पहले भी जब मैं तुम्हें मिली थी तब भी तुम लेट आई थी, और जब हम साथ में रहते थे तब भी हमें कहीं आना जाना होता तो कुछ भी तो तुम लेट करती थी। तो कहती है अच्छा देखो पुरानी बात है तो हम करेंगे नहीं। तो कहती है हाँ नहीं ले लो ना, नहीं मैं भी तो तुम ही लेट आती हो। तो कहती अच्छा ठीक है ना, गुस्सा थूक दो और एक बार प्यार भरी नज़र मेरे ऊपर डाल दो। हाँ लड़ने के लिए मिले हैं क्या हम, बोलो ना। तो कहते हैं मुझे नहीं बात करनी है तुमसे, तो तुमने मुझे सुबह मैसेज क्यों नहीं किया, एक गुड मॉर्निंग का मैसेज करके बस छोड़ दिया। तो श्रुति आगे ऐसे सामने खड़ी होकर कान पकड़ लेती हैं, तो अक्षय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। श्रुति कहती है अरे हद हो गई यार, आंखें बंद कर ली। कहते हैं हाँ तुम्हें देखूंगी तो मेरा गुस्सा उतर जाएगा, तुम्हें मुझे देखना ही नहीं है। तो कहते हैं हद नहीं है ये, तो कहते अब कितना बदला लेना है, अब इतनी देर से तो नाराज़ ही हो ना, अब छोड़ दो। तो कहते पक्का नाराज़गी छोड़ दूँ, पनिशमेंट मिलेगी इसकी। तो श्रुति कहती है दीजिए क्या पनिशमेंट है। तो अक्ष मुड़ते हैं और श्रुति की कमर में हाथ डालते हैं, उसे अपने पास खींचते हैं, तो श्रुति उन्हें हल्का सा पुश कर देती है पीछे की तरफ, इससे पहले वो ग्रिप बना पाते श्रुति की कमर पे, तो उन्हें धक्का दे देती हैं, अक्ष पीछे हो जाते हैं। तो श्रुति कहती है क्या है ये, हाँ दूर रहो।
फॉक्स कहते हैं। अच्छा ये कह के उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट श्रुति पीछे होती है तो साड़ी का पल्लू उसके हाथ में आ जाता है। तो श्रुति कहती क्या है जान, सुनो तो सही, ये मत करो। तो कहते हैं इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या ये न समझना, आज भी ऐसे जाने दूंगा, ऐसा भी क्या कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। ओ कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो, आव दो। तो श्रुति हंस पड़ती है, कहती है भगवान कल से क्या हो गया है आपको। और कहती है इधर आइए आप। उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बैठाती है और उनके साथ बैठती है, उनका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है आई लव यू, आई रियली लव यू, और मुझे आपसे और भी बहुत कुछ कहना है। तो कहते हैं क्या हो गया, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो। तो अक्ष के सामने आके खड़ी हो जाती है, अक्ष का फेस पकड़ती है, ऊपर करती है, उनकी आंखों में अपनी आंखें डालती है और कहती है आई एम रियली सॉरी। जानती हूँ कि हमने पुरानी बातें ना करने का एक दूसरे से वादा किया है, अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, हमारी अरेंज मैरिज थी, हमें कभी ये पल जीने को नहीं मिला, तो इस पल कल भी लुफ्त उठा रहे हैं। बट मैंने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपका मेरे करीब आना और मुझे हर वक्त आपको जज करते रहना, आपको गलत समझना, और उस गुस्से में मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया है, मेरे शब्द में वापस नहीं ले सकती। इसीलिए शायद बड़े लोग कहते हैं कि हमें अपने वर्ड्स बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए, क्योंकि जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता और वो तीर का काम करता है। ये कहते हुए वो अपना हाथ अक्ष के दिल पे ले जाती है, वहाँ हाथ रखती है और कहती है आपके इस दिल को बहुत ठेस पहुँचाई है मैंने, बहुत ज़्यादा, इसे कितनी बार तोड़ा है, कितनी बार रौंदा है, और आपने हर बार बहुत ही समझदारी से काम लिया। जब मुझे आपको संभालना चाहिए था समिता की शादी के वक्त, उस वक्त भी मैं आपको गलत समझ के धक्का दे के चली आई थी, उसके बाद आप कमज़ोर पड़े तब भी मैंने आपको नहीं समझा, आपको ही गलत समझा, आपको ही उल्टा सीधा कहा और आपको छोड़ के चली गई। सॉरी अक्ष, मेरे इन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अक्ष कहता है श्रुति कहती प्लीज़ कह लेने दीजिए, दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है, वो हल्का हो जाएगा, चैन मिल जाएगा मुझे, प्लीज़ कह लेने दीजिए ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, मैं आपको छोड़ के चली आई थी लेकिन पल पल आपके लिए तड़प रही थी, मेरा वो गुस्सा, मेरी नाराज़गी, मेरा पागलपन इतना बड़ा हो गया था मेरे प्यार के आगे कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं दिल मेरा भी जानता था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मेरा ईगो उस समय बहुत बड़ा था, मुझे बस यही लग रहा था कि आप मेरे अलावा किसी को कैसे छू सकते हो, कैसे छू सकते हो, मैं हर एक चीज़ भूल गई कि आपने मुझे किस तरीके से संभाला है, मैंने उसे भी गलत वे में ले लिया कि आप इतने महीने मेरे से अलग
कैसे रहे होंगे जब आप नहीं रह पा रहे। मैं ये कभी नहीं समझ पाई कि इतने महीने आप मेरे बिना रहे हो। बीवी पास होते हुए भी आपने कभी कोई शिकवा गिला नहीं किया। मेरी बीमारी में मुझे पूरा सपोर्ट किया, मुझे संभाला। आज जब मैं ठीक हो गई तो आप मेरे पास ही आओगे ना। मैं ये चीज़ कभी समझ ही नहीं पाई अक्ष। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने हर बार आपको गलत समझा, हर बार। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था। आपकी भाभी के साथ आपको शक किया, पता नहीं किन किन के साथ आपको जोड़ा। मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो देखते हैं, श्रुति तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही है और कहते हैं कि अगर कोई दिल से पछता रहा हो ना, तो इससे बड़ी सज़ा किसी के लिए कुछ हो नहीं सकती। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।